अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, अमूमन ज़िंदगी में कोई बिछड़ा हुआ दोस्त अगर हमें मिलता है तो हम उससे पूछते हैं कि कैसे हालात हैं, तो वो हमें कहता है कि बस यार ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहा हूँ। अमूमन इस बात की समझ ज़रा देर से आती है कि ज़िंदगी की गाड़ी खींचना क्या होता है और किस तरह होता है। लेकिन आज जब एक शख्स को मिले हम और वो ज़िंदगी की गाड़ी खींचते नज़र आया तो पता चला कि ज़िंदगी की गाड़ी किस तरह खींची जाती है और ये कितना ही मुश्किल काम है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, आए आपको बताते हैं कि वो किस तरह ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहा है। ना सिर्फ ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहा है बल्कि हम उसके हौसले की दाद देते हैं और आप भी उसके हौसले की ज़रूर दाद देंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद अकरम जी। मोहम्मद अकरम साहब, ये क्या है, ये आप मोटरसाइकिल है, ये बच्ची है, क्या आप कहाँ के हैं, क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है। मेरा थाना चौंतरा, मोहम्मद अकरम नाम है मेरा जी। थाना चौंतरा है मेरा, जिला तहसील मेरा पिंडी है। 2012 मेरी बीवी वफात पा गई। 2012 तो बाद मैं जुल्म नहीं चक्की पिस रहा। ये मेरे मुखालफ हैं, इन्हें एक बच्ची मेरी त्रै जगह तक निकाह करा रहे हैं। 2012 तो लैके तीसरी जगह निकाह मेरा इस्लामाबाद वाला मकान कब्जा और डॉक्यूमेंट सारे मेरे को। बच्ची कितने है? वो अजे तक मैं नहीं तकी। अच्छा, अगवा की थी इन्हें? अगवा की थी। तीसरी जगह इस वक्त बच्ची ने निकाह नामा मौजूद है। तो 2019 मैं गुर्दे का मरीज हाँ, मैं इस तरह खड़े हाँ। 2019 नहीं, गुर्दे के मरीज नहीं, तुम गुर्दा सुने बेचे अपना? हाँ, गुर्दा बेचे। किन्ने बेचे ने? 25 लाख। 25 लाख तो कितने किया ने? 25 लाख वो मकान बनाया, गड्डिया लीतिया, बेहतरीन है माहौल। थाने चौंतरे जो नवा मकान तैयार किया, फिर किया। हाँ जी, गुर्दा बेच के गुर्दा। ते इतनी केड़ी जरूरत सी कि अपनी जिंदगी नु दाव ते ला के ते तुसी मकान बनाया? बस वो जरूरी सी, बच्चियों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। अच्छा, जो एक बच्ची थोड़ी अगवा है और एक बची है थोड़ी? बच्ची अगवा 2019 जो उस मकान ने मैं इंसाफ इस्लामाबाद वाले मकान ने इंसाफ लेने से गया, शहजाद टाउन थाना मेरा बनना सी, तो इन्हें मैंने अखबारों ने कागज साड़ के 295B आइडियोलॉजी वाले भिजवा सकता। अच्छा, आज तो ये वो मुखालफन, आज तो 3-4 साल पहले बच्चे अगवा, बच्चे अगवा ए 15 नु कॉल करने सन, ए बच्ची ये बच्ची होनी सी, तो मां इधर उधर ये डिस्टर्ब कर। ए बच्ची तुम्हारी बच्ची है? बेटी है ना। और इसी उम्र तो लेके हुन तक इसकी उम्र कितनी है? इसकी 15 साल उम्र है। 15 साल उम्र है। इसका क्या मसला है, क्यों इस तरह तुसी पिंजरे च पाई है और उसको ले लेके? इस सदमे नाल इस तरह हुई जदों मैनू ना 295B डकवाया सी, बेगुनाह, ना कोई गल ना कोई गल। ये सदमे नाल इस तरह हुई, तकरीबन 8 साल उम्र च हुई। ना खड़ी होगनी, ना बहगनी, ना बोलगनी, ना सुनगनी। ये अगर इसमें एक घंटा नजर ना सा अपने आप चक गोश ना खवाए, सो फिर भी चक। अच्छा, ये पिंजरे का क्या सिस्टम है? बच्ची नू इस चीज़ बंद कर देंगे हो, इस चीज़ बंद लैके चलाते हो कि किधरे गिर ना जाए, या क्या चक्कर है? ये इंसाफ नहीं, भीख मंगना पे। 2 साल तो प्रेस क्लब क्लब इस्लामाबाद में बैठे हैं। 2019 मेरी दूसरी बच्ची है जड़ी, जिसकी उम्र 14 साल है। पहली बच्ची अगवा त्रै जगह तक निकाह करा चुके हैं, दूसरी बच्ची जड़ी मदरसे हिजाब से। अच्छा, तुम ऐसे किसी थाने दरखास्त दी है? जी जी, थाना चौंतरा चक्री चौकी चो उतर दी है। उन्होंने क्या किया? 4 महीने तक बच्ची जड़ी इस इन्हें इसी ग्रुप दूसरी बच्ची अगवा की थी। नहीं, मैं कह रहा थाने वाले क्या जवाब देता तुम? थाने वाले 4 महीने तक वो पर्चे ही नहीं कटे सी, मेरा घर सामान गड्डी सारा कुछ ऑलरेडी मकान का कब्जा कर रहे थे। 2019 तो लैके दूसरी बच्ची और ये बच्ची असी होटल नहीं सरां था, रात नहीं यानी पे करने सारा जान ना खतरा। वो दूसरी बच्ची जी बरामद हो गई सी, दूसरी बच्ची बरामद हो गई। तानिया अकरम जिसका नाम है, उस साड़ी अखा मर्चा में पाने से एक बार इनाम उन्हें जनाब ने FIR की थी और मेरी मालूमात बगैर ही वो FIR खारिज हो गई। उसी FIR तो हूँ IG पंजाब साहब नोटिस लिता और मेरी 4 लाख उन्होंने नोटिस ले लिया। नोटिस ले लेता ना। अच्छा, सुने कि एक यूट्यूबर ने जनाब नवाज सोखी मिले हो? जी जी। तो उन्होंने मलक नवाज साहब, वो कहते हैं कदर वाले कदर वालों की कदर किया करते हैं। मलक नवाज साहब ने कदर किया है जज्बे के साथ। ओके, तो जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवाज सोखी साहब भी, तो उनसे भी पता करते हैं, उनके इस जज्बे को ना सिर्फ हम दाद देते हैं बल्कि उनसे थोड़ी सी बात भी करते हैं। जी नवाज सोखी साहब, जरा तशरीफ लाइएगा। यही है नवाज सोखी साहब? मलक नवाज सोखी साहब, ठीक हो? मलक ठीक ठाक। आप माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और मैंने ये देखा है कि आपकी वीडियोज में ये कोशिश होती है कि आप लोगों के मसाइल को उजागर करें, लोगों की तकलीफ को रफ़ा करें।
अकरम साहब की भी आपने वीडियो की और इसका आईजी ने लिया, थोड़ा सा हमें बताएं कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया या किस तरह आपको तहरीक मिली कि आपने इनकी वीडियो को पहले ऑन एयर किया। बहुत शुक्रिया राज साहब। मैं एक दिन मागड़ साहब के दफ्तर तो मैं निकल रहा रात का, कोई 9-10 का टाइम सी, बच्ची ने उन्होंने गले ना लाया, कहने मागड़ साहब ने मिलना शमशाद मागड़ ने तो नहीं इतने जो भाई सन नाल, उन्होंने कहा भाई इस वक्त तो कोई रिपोर्टर नहीं। मैं जब देखा मैं क्या कि यार लाइट चलाओ, मैं कहा मागड़ भाई तो नहीं तो मैं हूँ, खबर देनी है इसकी, मैंने बच्ची की बनाई है। तो मैंने कहा और क्या मजा है, यकीन मानिए इनके मुंह की थोक भी सूखी हुई थी और पता नहीं क्या था हालत, मैं वो बात भी कर सकता। खैर मैंने वो फुटेज बना के मैंने सोफी टीवी से चला दी। फिर इनसे पूछा है कि आप होते कहाँ, आपसे भी किसी ने रब्ता किया है जब इन तक पहुँचने के लिए? नहीं, मैंने फिर दोबारा गेहूँ इनका प्रेस क्लब में, फिर मैंने बार ग्राउंड में फिर मैंने किया है और रिक्वेस्ट की थी उन इदारों को कि जो इदारे हैं आज भी वो। तो मैंने अब आप क्या समझते हैं कि आपने जो वीडियो बनाई, जिस अंदाज से बनाई, जिस तरीके से इनके मसले को उजागर किया, इनका मसला हल होता आपको नज़र आ रहा है कि अभी भी भागम दौड़ी है और वही एक जो चीज़? जी उसके बाद में बीच में रब्ता नहीं रहा, मैं भी आपको पता है बिजी हो गया हूँ अपने प्रोमो के लिए। तो आज मुझे मैंने देखा है कि एक वो मुझे मैसेज मिला है कि मेरी वैसा किसी और स्टोरी पे इन्होंने लिखा है कि सोकी साहब मैंने आपने मेरी वो प्रोग्राम चलाया था, मुझे इंसाफ मिल गया। अच्छा मिल गया, यानी कि मुझे इंसाफ मिल गया। ठीक है, वो सारा चीज़ें बरामद, इन्होंने मकान का कब्जा उन्होंने पुलिस ने मुझे मकान तक पहुंचा दिया, गाड़ी मेरी होंडा बरामद हो गई, 4,27,000 बरामद कर रहा, लूटा हुआ सामान सारा बरामद हो गया। तो मैंने जब देखा है, अच्छा मैंने तो फिर बिजी में था पहले, लेकिन मैंने फिर इनको कॉल किया है तो इन्होंने कहा कि आपका नंबर मुझसे मिसप्लेस हो गया था, लेकिन मैंने आपकी वीडियो में कमेंट्स भेजे हैं कि मतलब मुझे ये बहुत खुशी से और इसको खुशी से आंसू निकल रहे थे कि आपकी खबर पे आईजी पंजाब ने नोटिस लिया है। और वो एसएचओ का क्या बनाया है जी? एसएचओ असलम अजीज नियाजी पहले तो पर्चा काट नहीं रहा था और तय रही हो, क्योंकि इसमें ये बंदे जोरावर थे, दो हाजर सर्विस रेंजर में थे, दो हाजर सर्विस पुलिस में थे। अच्छा, और दो फौज में। वो आपने स्टोरी बताई थी इनके जोर पर था ना। ओके ओके, अब हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये चीज़ आपको पहुँचाने का हमारा मकसद, बहुत सारे मकासद हैं, इसका एक मकसद ये भी है कि जो लोग साहिब इक्तदार हैं, जिनके पास पावर्स हैं, जिनके पास कुछ करने की सलाहियत है, उन तक भी ये बात पहुँचे। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि एक शख्स अभी किसी चीज़ का बीड़ा उठा ले और कहे कि ये इसकी दादरसी मैंने करनी है जैसे सोखी साहब ने की थी, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचता है। हमारी ये वीडियो देखें, हमारा नीचे एड्रेस भी आ रहा है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी आ रहा है, कोशिश करेंगे कि हम आपको अपना फ़ोन नंबर भी दें। कभी आपको कोई मसला हो, ऐसी कोई शख्सियत हो, ऐसा कोई मसला हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो अनहोनी हो, तो हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारा कैमरामैन भी, हमारा रिपोर्टर भी, सोखी साहब और मैं हूँ, और हम आपके पास पहुँचेंगे, हम आपकी दादरसी करने की कोशिश करेंगे, अरबाब इख्तियार तक आपकी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम मिलजुल के इस मुआशरे को ठीक करें, लोगों के मसाइल हल करें और इस पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला का एक तोहफा है, जो 27वीं रमज़ान को हमें मिला है, इसको जन्नत तो नहीं बना सकते लेकिन इसको जन्नत जैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो कुदरत हमारे लिए ज़रूर आसानियां पैदा करेगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई भी इतला हो हमें ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।